एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। सूरजपुर के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर में 8 हाथियों का दल बीते 3 दिनों से क्षेत्र में उत्पात मचाए हुए है, जहां एक दिन पूर्व मोहरसो पुलिस चौकी में हाथियों का दल रात में फेंसिंग तोड़ घुस गया था। वहीं कछिया समेत दर्जन भर गांव के 9 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत का आलम है। वहीं वन अमला केवल मुआवजा प्रकरण बनाने में जुटा है, जहां शुक्रवार रात मोहरसो पुलिस चौकी में हाथियों के घुसने के बाद पुलिस कर्मियों ने चौकी की छत पर चढ़ खुद को सुरक्षित किया। वहीं हाथियों के जाने के बाद राहत की सांस ली। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में हाथियों के विचरण से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। चौकी है मोहरसो, वहाँ रात को मेरी गश्त थी, उसी दौरान करीब 2 बजे सूचना मिली थी हमको कि 7-8 हाथी जो है ये मोहरसो तरफ से भागते हुए सीधे फेंसिंग तोड़ करके हमारे यहाँ मोहरसो चौकी के अंदर प्रवेश कर गए हैं और वहाँ तमाम लाइट लगे हैं, जिसके लाइट को देख करके फिर वो मोहरसो चौकी के बगल में ग्रामवासी शिव कुमार के घर चले गए थे और उनके घर को भी नुकसान किए हैं और हमारे फेंसिंग वायर को भी नुकसान किए हैं। ये सारी सूचना पुलिस के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दी गई है।